जो है फिलहाल अपने ऑफिस के ठीक सामने है, क्योंकि हमारा भारतीय नृत्यकला मंदिर का जो बाउंड्री वॉल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक में दिख रहा है। जो वॉल कुछ टाइम पहले तक चुनाव प्रचार के जो पैम्पलेट्स होते हैं वो चिपकाए जाने के लिए और कुछ कुछ लिखने के लिए एंड लोगों के इसके लिए इस्तेमाल होती थी, वो दीवार अब ऐसी है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सम ब्यूटिफुल आर्टिस्ट जो नगर निगम के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव ले चुके हैं, और इस इनिशिएटिव के तहत अलग अलग जगहों पे अपने पटना शहर के अलग अलग जगहों पे ये वॉल आर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे जो है आइए उनके पास चलते हैं, शी इज रूटर। सो रूटर, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप कुछ बताया था जो पूरा है, आपने कितना कुछ किया है अभी तक? पहले मैंने पीएमसी नंबर हॉस्पिटल का बहुत जो है, पहले वहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका जाता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब लोग वहाँ पे रिक्शा वगैरह लगा करके अब हमें प्रॉपर वो क्या बोलते हैं पेडेस्टल नहीं होता था, लोग क्या साउथ साइड में चल सके, लेकिन अब वहाँ पे पेंटिंग हो जाने से साफ सफाई हो जाने से लोग थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, तो वही सोच को आगे बढ़ाते हुए और फिर नेक्स्ट ये पीएमसी के थ्रू लोगों को ये काम मिल रहा है। इसमें काफी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, कुछ दरभंगा के हैं, कुछ मधुबनी के हैं, कुछ पटना आर्ट्स कॉलेज के हैं, और सभी लोग मिलकर करके काम कर रहे हैं। लवली, तो ये आर्ट फॉर्म अगर आप यहाँ बना रही हैं, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट भी आपने सोचा है? एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे थे वह छठ को बेसिक ले करके हम लोगों ने छठ और स्टार्ट करके छठ ही क्यों, हमेशा छठ ही क्यों उनके साथ रखना, हम जैसे अपने घर को हमेशा साथ रखना चाहते हैं, वैसे ही हमारा शहर भी हमारा घर है। हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो कहते हैं कि अरे ये इतना सुंदर है, ये हमारी बिहार है, हमारी धरती है, इसको साथ क्यों नहीं रख सकते। और सबसे मेन लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी कि ये हमारा जगह है, इसको हम साथ नहीं रखेंगे तो दूसरे नहीं रखेंगे। और नगर निगम का सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आकर के यहाँ पे कचरे उठाए साफ करें, हम लोगों को भी उनको कॉपरेट करना चाहिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा था बी द चेंज दैट यू वांट टू सी अराउंड। ऑल राइट,